गुड इवनिंग बच्चों, आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आज हम लोग देखेंगे, आज का हमारा पढ़ा वर्ड है रिफोरेस्टेशन। ठीक है, अब आइए रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है। जैसा कि हिंदी से लग रहा है वनीकरण, देखिए री का मतलब ही होता है पुनः या फिर से। ठीक है, री का मतलब ही होता है पुनः या फिर से। जैसे किसी भी चीज को अगर हम एक बार यूज कर रही है फिर से यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, री यूज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है वो समझिए। मान लीजिए किसी जगह पहले फॉरेस्ट था, लेकिन किसी कारण से वहां के फॉरेस्ट को काट दिया गया या वहां फॉरेस्ट बहुत कम हो गया या खत्म हो गया, लेकिन फिर से हम वहां प्लांटेशन शुरू कर दिए हैं इन ऑर्डर टू डेवलप फॉरेस्टेशन, ताकि वहां पे उस वन को हम रिस्टोर कर सके, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिफोरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफोरेस्टेशन। ए का मतलब होता है नॉट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसका भी हिंदी वनीकरण है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वो समझिए। कोई ऐसे जगह जहां पे पहले फॉरेस्ट नहीं था, लेकिन वहां हम लोग इंटेंस और एक्सटेंस वे में प्लांट लगाना शुरू कर दिए, ताकि उस एरिया को हम लोग एज ए फॉरेस्ट डेवलप कर सके, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एफोरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, दोनों का मतलब वनीकरण नहीं हुआ, लेकिन उस जगह पे अगर पहले से फॉरेस्ट था, किसी कारण वो खत्म हो गया या कम हो गया और फिर से हम वहां प्लांटेशन शुरू कर दिए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रिफोरेस्टेशन। बट किसी ऐसे लैंड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं जहां पे फॉरेस्ट था ही नहीं और हम वहां पे ट्री लगाना शुरू कर दिए, प्लांट लगाना शुरू कर दिए, ताकि हम वहां पे फॉरेस्ट डेवलप कर सके, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एफोरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमारा इसमें नेक्स्ट वर्ड है सोशल फॉरेस्ट्री। अब सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या समय है वो समझिए। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब हुआ ना कि सोसाइटी में किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में जिसका यूज नहीं हो वहां पे प्लांटेशन करना फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एज वेल एज अर्बन सोसाइटी इज नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री। यानी जब भी सोशल फॉरेस्ट्री का बात किया जाएगा ना, तो यहाँ पे बेनिफिट देखा जाएगा रूरल सोसाइटी का, अर्बन सोसाइटी का, और ये वैसे पीस ऑफ लैंड को सिलेक्ट किया जाएगा जो सोसाइटी का हिस्सा हो। अब सर पूछिएगा आप लोग कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग रोड पे जाते हैं किसी बस से या ट्रक से या कैसे भी हम लोग रोड से जा रहे हैं, तो क्या देखते हैं, रोड के बीच में एक स्ट्रिप बना होता है जहां पे प्लांट लगा होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिप प्लांटेशन बोल सकते हैं ना, जो रोड के बीचों बीच रहता है, तो स्ट्रिप प्लांटेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। और अच्छा उसको बोल सकते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं ना रोड साइड में, रोड के बीचों बीच, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड, होप कि आप लोग को सीखने को मिल रहा होगा और कुछ ज्ञान वर्धन हो रहा होगा। आइए बच्चों अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वर्ड है फॉरेस्ट। ये काफी अच्छा वर्ड है, बोलिए सर ये तो हम जानते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊं जो आप नहीं जानते हैं, तो सुनिए। देखिए वास्तव में हम लोग घर में नहीं रहते, हम लोग जंगल में ही रहते थे। शुरू में क्या था, सब जगह तो जंगल ही था ना, पेड़ पौधा ही था, घर तो था ही नहीं। ठीक है, तो वही हम लोग का घर था, जो जंगल था वही घर था। लेकिन बाद में जैसे हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, तो उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर विलेज अपना डेवलप किए और जंगल से अलग हो गए। तो जो कन्फाइनमेंट एरिया जिसको हम बोले कि यहां तक मेरा विलेज है और उसके बाद विलेज नहीं है, उसको बोल दिया गया फॉरेस्ट। तो एक्चुअली देखिएगा तो फॉरेस्ट जो है ना, ये फॉरेस्ट टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है आउटसाइड, मतलब विलेज के बाहर के एरिया को बोला गया फॉरेस्ट और वही उसी को बोल दिया गया फर्दर क्या, फॉरेस्ट। क्लियर हो गया ना समझे बच्चों, कि फॉरेस्ट जो लिया गया है फॉरेस्ट टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्टिंग। देखिए फोरकास्टिंग पूर्वानुमान, अब इसका हम लोग का क्या है जरूरत, साइंस में ये कहां आता है, तो साइंस में जब हम बात करते हैं ना बच्चों मौसम पूर्वानुमान की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदर फोरकास्टिंग। जैसे कल कैसा होगा, कल क्लाउडी डे होगा, कल ह्यूमिडिटी कितना रहेगा, सनलाइट कितना रहेगा, अगर इसके बारे में हम लोग बोलेंगे ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग वेदर फोरकास्टिंग। और साइंस का वो ब्रांच जो इसका अध्ययन करता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटरोलॉजी। आगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, अभी तो बहुत है। आप लोग सिर्फ इतना भी याद रखोगे ना कि फोरकास्टिंग मीन्स पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मौसम पूर्वानुमान, आगे चल के बहुत बड़ा वर्ड स्टॉक हो जाएगा, आप लोग खुद अचंभित होगे। ठीक है, तो अभी बस आप लोग मेरे साथ चलते रहो, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ ये तो सब कोई जानता होगा, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। बायोलॉजी इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, बायोज एंड लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइफ, सब कोई जानता है। इसमें क्या है, लाइफ और लिविंग बींग। और लोगों का मतलब क्या होता है, लोगों का मतलब होता है स्टडी, इट्स वेरी सिंपल। तो स्टडी ऑफ लिविंग बींग इज नोन एज बायोलॉजी, तो ये सबको जानते हैं। इसमें नया चीज क्या बता सकते हैं, नया चीज तो कुछ है नहीं। फिर मैं बताना चाहूंगा कि ये बायोलॉजी नहीं होता, इसके बीच में जो वो होता है ना, ये साइलेंट होता है, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बायोलॉजी।
क्योंकि मैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं गलत भी प्रोनाउंसिएशन करता हूँ ताकि मैं बता सकूं कि मैं पहले जो बोला वो गलत बोला, अभी मैं सही बोल रहा हूँ बायोलॉजी, ठीक है, वो बीच में साइलेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, होप कि आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत सीखा होगा, ऐसे ही सीखते रहिए।